Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel. And yes, 28th March 2018, once again, current affairs live ho chuka hai. Toh jaldi se tayyar ho jaiye apne sare breakfast teas and coffees ke saath and quickly share the link with all your friends. Kyunki subah ke 7 baje sari ki sari headlines akele sunne mein benefit sirf khud ko milta hai. But yes, baki sabhi ko connect karne se, baki sabhi ke saath aap yahan pe is session ka fayda utha sakte hain. So share the link quickly with all your friends and yes, do concentrate, focus, look upon to each and every word very carefully. Carefully, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कभी भी कहीं भी कैसे भी बन सकता है. तो चलिए जय गुरु के साथ करते हैं हर एक हेडलाइन का डिस्कशन. लेट्स लुक ओवर टू द वेरी फर्स्ट हेडलाइन फॉर टुडेज सेशन एंड हियर कम्स द फर्स्ट वन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. पहली हेडलाइन बिल्कुल आपके सामने अगर हम बात करें, सो यस, अभी थोड़ी ही देर में आ जाएगी, डू नॉट वरी. बट यहां तब तक अगर हम देखें तो आप सभी की कनेक्टिविटी बनी हुई है. And yes, for sure, the headline is here. AAI has signed MOU with Assam government to develop villages in Kamrup. AAI ने कामरूप में गांवों के विकास के लिए असम सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. तो अग्रीमेंट्स 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 एवरीवेयर अग्रीमेंट्स एंड वन मोर अग्रीमेंट स्टार्टिंग दिस सेशन. अब सर ये AAI क्या है और असम गवर्नमेंट के साथ इसने MOU साइन किया है, डेवलपमेंट होगा इतना तो क्लियर हो जाता है, लेकिन और क्या फैक्ट्स इसको इम्पोर्टेंट बनाते हैं? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पर तो एक आपको इमेज दिख रही है CSR की, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. हर किसी के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है, इस पर कंपनीज एक्ट भी बात करें, हर कंपनी के लिए भी रूल है कि जो भी वो अर्न करते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज, उसका एक सर्टेन एक निश्चित प्रतिशत वह कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य के लिए खर्च करेंगे, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करेंगे, सोशल वेलफेयर के लिए उसमें से वो पैसा यूज करेंगे. तो पॉइंट समझिएगा, हर किसी को अपने टर्नओवर का, अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज कॉर्पोरेट, मतलब कह सकते हैं सोशली खर्च करना पड़ता है, सोशली एक्सपेंस करना पड़ता है, तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट जो साइन किया है असम, यहाँ पर असम गवर्नमेंट के साथ, उसके अंतर्गत वो करेगा क्या कि जो CSR के अंतर्गत उसका जो उद्देश्य है, जो उसके राइट बनता है, उसको पूरा करेगा. पूरा कैसे करेगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं कामरूप विलेजेस में, मतलब कि कामरूप डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विलेजेस आते हैं उनको डेवलप करने का ये कार्य करेगा. तो आते हैं जरा फैक्ट को देखते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम एक मिनट इंटरप्ट करेंगे, हम चाहेंगे टेक्निकल टीम से कि हमारी स्लाइड्स को चेंज करने में हेल्प करे फॉर श्योर. एंड यस, आप कंटिन्यू करें जीए गुरु यहाँ पे सारे फैक्ट्स के साथ. तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विद द असम गवर्नमेंट अंडर इट्स कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एट विलेजेस इन द कामरूप डिस्ट्रिक्ट. पॉइंट समझिएगा यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या चीज, वो ये निकल कर आ रही है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया असम गवर्नमेंट के साथ, और असम गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन करने के बाद यहां से पॉइंट नंबर वन याद रखना है आपको कि किस डिस्ट्रिक्ट में विलेजेस को यहां पर डेवलप करने की बात की जा रही है. तो विलेजेस का उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कामरूप डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है क्या? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम होता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग, मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. पॉइंट समझिएगा, सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में अपग्रेड करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए जो अथॉरिटी या जो कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात पर चर्चा करते हैं तो यहां पर याद रखना है आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन. तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, फाउंडेशन ईयर इज द 1995, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली एंड द चेयरमैन इज द जी मोहपत्रा, भी कह सकते हैं गुरु प्रसाद मोहपत्रा. तो यहां पर दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, जी मोहपत्रा इन शॉर्ट या गुरु प्रसाद मोहपत्रा इज द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अब आसाम के फैक्ट की बात कर लें, कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर, चीफ मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी, लार्जेस्ट सिटी ऑफ द असम इज गुवाहाटी, डिस्ट्रिक्ट टोटल डिस्ट्रिक्ट इन गुवाहाटी इज 33, ऑफिशियल लैंग्वेज इज द असमी, लोकसभा सीट इन आसाम 14, राज्यसभा सीट 7, कामाख्या टेम्पल, शुक्रेश्वरा टेम्पल, ये दो फेमस टेम्पल हैं, ये याद रखने हैं आपको, ये भी कहां पर है, आसाम में है. लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 है, लार्जेस्ट सिटी इज गुवाहाटी. एंड अपार्ट फ्रॉम बात करें कुछ नेशनल पार्क्स की, तो दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क,
काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, इनमें आप करिएगा क्या, देब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, इन वर्ड्स को मार्क कर लीजिएगा, इनको रट लीजिएगा, देब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी। नेक्स्ट बात करता हूं तो पोबितोरा, बुराचपोरी एंड चक्र रास रशीला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड लाओखोवा, लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनके नाम याद रखने हैं। एक दो बार पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम जब असम के फैक्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, आई होप तब तक आपको लर्न हो जाएगा, नहीं भी होगा तो दोस्तों इस पर बेस एमसीक्यू करेंगे तब आपको लर्न हो जाएगा। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, देख समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नेम एग्जामिनेशन में आ चुका है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है, मजूली है, किस रिवर में है, तो वो याद रखना है ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर कहूंगा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड का नाम क्या है, मजूली रिवर, याद रखनी है ब्रह्मपुत्र रिवर। अपार्ट फ्रॉम लोकप्रिय गोपीनाथ, बरदौलाई, बरदौलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, वो भी आसाम में है। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम का है, वो भी आसाम में है। अपार्ट फ्रॉम, वो कौन से स्टेट्स हैं जिनसे इसका बॉर्डर टच होता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। एक बार मैप में भी देख लेते हैं जिससे बिल्कुल विजिबल हो जाएगा कि अगर आप देखते हैं बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ जाते हैं तो असम दिखेगा, वहां पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो यहां पर त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, सभी से यहां पर देखेगा, वेस्ट बंगाल से भी यहां पर बॉर्डर टच होता है असम का। तो ये नंबर ऑफ स्टेट्स याद रखने हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स के नेम याद रखने हैं, कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जिनसे कि यहां पर बॉर्डर टच होता है। एग्जैक्टली, तो सारे फैक्ट्स क्लियर हैं, AAI से रिलेटेड हो, चाहे असम गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, चाहे इस न्यूज हेडलाइन से बातें हो, सो एवरीथिंग इज बीइंग क्लियर्ड बाय जीए गुरु, सो होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियर। अगर कहीं भी कोई भी डाउट, कोई क्वेरी रह जाती है, सो यू कैन डेफिनेटली पोस्ट दैट क्वेश्चन और क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, और इसके अलावा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, ये सारा का सारा डेटा कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अवेलेबल हो जाएगा, सो जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगली हेडलाइन की तरफ। अनमोल एंड मनु भाकर हैव वन द गोल्ड मेडल इन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। अनमोल और मनु भाकर ने ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। सो यस, वंस अगेन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, कल ही बात हो रही थी यहाँ पे कि मेडल्स की टैली में इंडिया अपनी पोजीशन को रिकवर कर सकती है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकती है। सो उसी तरीके की तरफ, उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अनमोल और सिर्फ मनु भाकर का नाम फिर से यहाँ पे आ गया है एंड यस अगेन विद अ गोल्ड मेडल। तो अब और क्या पॉइंट्स हम जाने। देखिए इस सेशन की मैं बात करूँ, ये न्यूज चल रही है आपके, ये तो क्लियर हो चुका है कि ISSF क्या है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में वेन्यू है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप चल रहा है। अब इंडिया के मेडल्स, नंबर ऑफ मेडल्स कितने हैं, या कह सकते हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट कौन है, उनके नाम हमें याद रखने हैं। तो आते हैं यहां पर, मिक्स इवेंट में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, वेन्यू सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ये तो क्लियर होगा। अनमोल एंड मनु भाकर हैव वॉन दी गोल्ड मेडल इन दी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट। प्लीज रिमेंबर, अनमोल एंड मनु भाकर हैव वॉन दी गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट। अपार्ट फ्रॉम ISSF के फैक्ट पर फोकस करेंगे, ISSF की बात करें, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, फाउंडेशन ईयर इज 1907, हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इज द ऑलगेरियो वॉस्क्वेक राना। प्लीज रिमेंबर, ऑलगेरियो वॉस्क्वेक राना इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ISSF। भाई वर्ल्ड कप चल रहा है तो डेफिनेट ISSF के फैक्ट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट ही पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर याद रखना म्यूनिक जर्मनी है, प्रेसिडेंट इज द ऑलेगेरियो वॉस्क्वेज राना इज द प्रेसिडेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम अनमोल एंड मनु भाकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, सो आंसर इज द शूटिंग। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, अनमोल बिलोंग्स टू विच स्टेट, मनु भाकर बिलोंग्स टू विच स्टेट, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और इसके बाद अगर बात करें जरा मेडल टैली पे भी देखते हैं कि अगर इंडिया सेकंड पोजीशन पे बना हुआ है, टोटल नंबर ऑफ जो मेडल्स इंडिया ने जीते हैं वो 18 मेडल्स जीते हैं और 7 गोल्ड हैं, चाइना से अभी एक गोल्ड पीछे चल रहा है। आई होप सो 29 मार्च जो इसकी लास्ट डेट है तब तक इंडिया फर्स्ट टैली में कह सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे आ जाए। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे ना सिर्फ गोल्ड बट यस सिल्वर में भी, ब्रॉन्ज में भी और पूरे ओवरऑल टोटल में भी, सो यस वी होप फॉर द बेस्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ टू द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन, बट उससे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक कमेंट हम लेंगे फॉर श्योर, और कमेंट लेंगे एस दीपू का।
एस दीपू, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द होल टीम ऑफ महिंद्रा गुरु। आप अपने सिलेक्शन की डिटेल फिल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गॉट सिलेक्टेड लिस्ट में, क्योंकि 31 मार्च तक आप किसी भी एग्जामिनेशन में अगर सिलेक्ट हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, महीनों में या पिछले साल में, तो आप उसका डेटा डिटेल हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सिंडिकेट बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है, सो वी डेफिनेटली होप कि आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए उस सिलेक्शन लिस्ट में जरूर भरेंगे, ताकि आपको मौका मिलेगा अपनी सक्सेस स्टोरी को पैन इंडिया पे और अच्छे से शेयर करने का। ना सिर्फ एस दीप दीपू बट यस एवरीबडी वॉचिंग दिस सेशन, अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ है किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, नॉट ओनली इन बैंकिंग और SSC बट यस सरकारी नौकरी अगर आपके पास है और महिंद्रा गुरु का योगदान रहा है, या महिंद्रा की किसी ब्रांच से आपने पढ़ के सिलेक्शन लिया है, सो फॉर श्योर सक्सेस स्टोरी आप वहां पे अपनी शेयर जरूर करें, ताकि उसको हम पैन इंडिया रिवील कर सके और सबके साथ शेयर कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट हेडलाइन। फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ ग्राफिक प्रिंट्स, प्रिंट बियानले इंडिया 2018 वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ग्राफिक प्रिंट की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी प्रिंट द्विवार्षिका भारत 2018 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। सर नई दिल्ली में कितने इवेंट्स होते रहते हैं और उन्हीं में एक और जुड़ गया है, एंड दैट टू पहला है फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ ग्राफिक प्रिंट्स, तो अब ये और क्या फैक्ट्स कनेक्ट करेगा? देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ ये बनेगा कि वेन्यू क्या रहा है, यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इससे रिलेटेड फिर मिनिस्टर पे चर्चा करते हैं, मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आते हैं, तो आते हैं जरा डिटेल में देखते हैं कितने पॉइंट्स एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर बनते हैं। तो नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट, ललित कला अकेडमी है, उसके द्वारा इसे होस्ट किया गया। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल प्रिंट पैनल इंडिया में होस्ट किया गया है, 17 कंट्रीज ने अराउंड इसमें पार्ट लिया है। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑन ग्राफिक प्रिंट, प्लीज रिमेम्बर फर्स्ट एवर इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ ग्राफिक प्रिंट कहाँ रहा है, इसका वेन्यू वो याद रखना है, इसका नेम क्या है, प्रिंट बायनल इंडिया 2018 है। हिंदी में भी मेरे दोस्त कहते हैं कि थोड़ा जरा बताया करिए, तो दोस्त यहाँ पर इसकी हिंदी की बात करें तो राष्ट्रीय कला अकेडमी, ललित कला अकेडमी ने देश में पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रिंट द्विवार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें रिकॉर्ड 17 देशों ने भाग लिया था। ग्राफिक प्रिंट की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जिसका नाम है प्रिंट द्विवार्षिकी भारत 2018। अब आपको यही याद रखना है प्रिंट द्विवार्षिकी भारत 2018 का आयोजन कहां पर हुआ था, तो आंसर इज दी नई दिल्ली। अब देखिएगा मिनिस्टर्स का नाम याद रखना है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार मंत्री है, पॉइंट समझना, कल्चर मिनिस्टर है, इनसे ऊपर कैबिनेट रैंक का कोई मिनिस्ट्री नहीं होगा, ये किसी को भी जवाब दे नहीं होता, ही इज लायबल ओनली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की बात करूंगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर इंडिपेंडेंट चार्ज महेश शर्मा है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। इसके अलावा कल्चर मिनिस्ट्री के अलावा उनके पास एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी है, याद रखना है एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के स्वतंत्र प्रभारी नहीं है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। इसका मतलब एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा, तो डॉक्टर हर्षवर्धन इज द मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये भी चीज आपको याद रखनी कि इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर में फर्क क्या होता है। मुद्दे की बात पे आता हूं तो याद रखना है मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर कौन है, इंडिपेंडेंट चार्ज महेश शर्मा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। एग्जैक्टली अब सर यहाँ पे अगर हम एक बात करें तो फॉर श्योर कैंडिडेट्स का कहना है कि न्यू दिल्ली के फैक्ट्स भी आप शेयर कर दिया करें। सो वंस एंड फॉर ऑल वी नो कि ये नेशनल कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर की बात करें यहाँ पे तो यूनियन टेरिटरी भी है, तो अब सर एक बार अगर न्यू दिल्ली को भी यहाँ डिस्कस कर लिया जाए तो बेटर होगा। मैम बिल्कुल, अगर बात करें चीफ मिनिस्टर की तो सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल का नाम है, उनको तो भी सभी मैक्सिमम पर्सन जानते हैं बिल्कुल। और उसके बाद बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इज दी अनिल बैजाल, तो उनका नाम याद रखना है न्यू दिल्ली में। रिलेटेड फैक्ट मैक्सिमम एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर का नेम या चीफ मिनिस्टर का नाम आ सकता है, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना। बिल्कुल, और ये इसीलिए भी है क्योंकि एज आई सेड कि ये नेशनल कैपिटल तो है ही, बट यस ये एक यूटी भी है, यूनियन टेरिटरी भी है, इस वजह से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज आपकी कैलकुलेट होंगी जो भी, तो जी गुरु ने आपको बता ही दिया है। चलिए इसके अलावा वहाँ कितने टूरिस्ट स्पॉट हैं और क्या क्या वहाँ की स्पेशलिटी है, इन सब पे तो इतने डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं, तो उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे अगली हेडलाइन की तरफ। According to Ookla, India has been ranked 67th for fixed broadband speeds and 109th for mobile internet speeds in February 2018.
ओखला के अनुसार फरवरी 2018 में भारत को फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड के लिए 67वें, मोबाइल इंटरनेट स्पीड के लिए 109वें स्थान पर रखा गया है। तो अब ये एक लिस्टिंग है, ये एक इंडेक्स है, 67 फॉर फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड और 109 फॉर मोबाइल इंटरनेट स्पीड। तो अब ये कैसे क्वेश्चन बनाएगा? देखिए मैम, यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओखला की बात करें तो एक इंटरनेट स्पीड टेस्टिंग एनालाइज फर्म है, उसने कहा है कि इंडिया में जो ब्रॉडबैंड स्पीड है उसके बेसिस पे जो उसने क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जितनी स्पीड का, उस बेसिस पे कहा है कि इंडिया की रैंक ब्रॉडबैंड स्पीड में 67 है। और मोबाइल इंटरनेट स्पीड की बात करता हूं तो उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली अगर बात करें 109 है। अब यहां पर क्वेश्चन आ सकता है इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, मोबाइल ब्रॉडबैंड पूछ ले या मोबाइल इंटरनेट स्पीड पूछ ले या ब्रॉडबैंड पूछ ले, या दोनों में किसी में ये पूछ सकता है कि टॉप किस कंट्री के द्वारा किया गया है, ब्रॉडबैंड में किसके द्वारा टॉप किया गया है या मोबाइल इंटरनेट स्पीड में किसके द्वारा टॉप किया गया, या उन दोनों से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट। तो आते हैं जरा फैक्ट्स में एक एक करके डिस्कस करते हैं। इंडिया इज रैंक 67 फॉर फिक्स ब्रॉडबैंड, प्लीज रिमेंबर फिक्स ब्रॉडबैंड के केस में इंडिया की रैंक है 67, मोबाइल इंटरनेट स्पीड के केस में रैंक है इंडिया की 109। तो फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड में है 67 और 109 रैंक किया, 109वें पोजीशन पर रहा है मोबाइल इंटरनेट स्पीड में इन फरवरी की रिपोर्ट के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट स्पीड टेस्टिंग एनालिसिस फ्रॉम ओखला। ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की मैं बात करता हूं, जो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स भी कहते हैं जिसे हम, या एक रिपोर्ट भी कह सकते हैं। फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड्स में इट इज टॉप्ड बाय द सिंगापुर, मोबाइल इंटरनेट स्पीड की बात करूं तो इट इज टॉप्ड बाय द नॉर्वे। प्लीज रिमेंबर मैं यहां पर आपके साथ डेटा ये डिस्कस नहीं कर रहा इंडिया में कितनी एमबीपीएस की स्पीड चल रही है, सिंगापुर में, नॉर्वे, उनका स्टैंडर्ड क्या है, एग्जाम के लिए बिल्कुल इमटीरियल है। फोकस करिए स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में फिक्स ब्रॉडबैंड में किसने टॉप किया है, सिंगापुर ने, मोबाइल इंटरनेट स्पीड में किसके द्वारा टॉप किया गया वो है नॉर्वे। सिंगापुर कैपिटल इज द सिंगापुर सिटी, करेंसी डॉलर एंड द प्रेसिडेंट इज हलीमा याकोब, नॉर्वे कैपिटल इज ओस्लो, करेंसी क्रोन एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द एर्ना सोलबर्ग। प्लीज रिमेंबर एर्ना सोलबर्ग इज द प्राइम मिनिस्टर, करेंसी इज क्रोन, कैपिटल ओस्लो, वही याद रखना है एक ही ट्रिपल सी रूल से, नॉर्वे ओस्लो क्रोन, सिंगापुर, सिंगापुर सिटी डॉलर। एग्जैक्टली, तो ये तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ही और स्टैटिक फैक्ट्स आप सभी ने यहाँ पे शेयर किए भी हैं। और एक चीज बहुत देर से जीए गुरु से भी हम कहेंगे यहाँ पे कि सर इन लोगों को हमने याद नहीं दिलाया है, तो शायद इन लोगों का ध्यान भी नहीं गया है कि मोर देन 1800 स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट अराउंड हम कहें तो 1900 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस सेशन, बट वही है वॉचिंग रेशियो इज इक्वल टू लाइकिंग रेशियो। ये कब होगा? तो मैं बिल्कुल जल्दी होगा दोस्तों को, मेरे को मुझे लगता है कि न्यूज क्लियर हो रही है, अगर न्यूज क्लियर हो रही है बॉस तो कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके बताइए हाँ सर एक एक चीज क्लियर है, और क्लियर के साथ बॉस लाइक तो बनता है फॉर श्योर। अब तो देखो जीए गुरु ने भी कह दिया और आपके फेवरेट जीए गुरु ने जब कहा है तब तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए जल्दी से लाइक के बटन पे क्लिक कर देना। हम बढ़ेंगे आगे अगली हेडलाइन की तरफ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक विल प्रोवाइड अ $500 मिलियन क्रेडिट फैसिलिटी टू इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। निर्यात आयात बैंक जिसको एक्सिम बैंक भी कहा जाता है, इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट को $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक ऋण सुविधा प्रदान करेगा। सो यस, यहाँ पे अमाउंट है तो ये तो इम्पोर्टेंट हो ही गया। अब इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट और एक्सिम बैंक ये दोनों के दोनों जुड़े हैं, तो फॉर श्योर आप भी सोच रहे होंगे कि जे गुरु इन दोनों के बारे में बताएंगे ही बताएंगे, तो सुन लेते हैं सर अब क्या इससे पॉइंट्स हैं। देखिए इस न्यूज की मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे मार्क करिएगा, एग्जामिनेशन में डेफिनेट यहां से ईबीआईडी से क्वेश्चन भी आएगा, इकोवास से भी आएगा, इकोवास क्या है, ईबीआईडी क्या है, इसके अलावा एक्सिम बैंक क्या है। एक्सिम बैंक का तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ भी चुका है, फाउंडेशन ईयर लास्ट ईयर बैंक एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, मुद्दा क्या है और किस वजह से यहाँ पर ये अमाउंट दिया जा रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर लोन देने की बात की है 500 मिलियन के, और ये लोन जो दिया जा रहा है वो ईबीआईडी को दिया जा रहा है। ईबीआईडी की बात करें तो इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, अभी समझना मैं आपको ये चीज नहीं क्लियर कर रहा कि ये इकोवास क्या है, ईबीआईडी क्या है, पहले न्यूज को समझ लेते हैं। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, आयात निर्यात बैंक है भारत का, उसने 500 मिलियन उधार देने के लिए, लोन देने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। जितनी भी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो इसमें आती हैं ईबीआईडी के अंतर्गत, उनको या वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ये फंडिंग की जाएगी, वित्त पोषण किया जाएगा। तो वेस्ट अफ्रीकन या वेस्ट साउथ अफ्रीका में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, वित्त पोषण करने के लिए, फंड प्रोवाइड करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने ईबीआईडी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है।
जो लाइन ऑफ क्रेडिट रहेगी वो 500 मिलियन की रहेगी और इसके अंतर्गत जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे इकोवास रीजन में वो सारे कवर अप किए जाएंगे। अब इकोवास क्या है उस पर फोकस बाद में करना है, पहले समझते हैं एक्सिम बैंक इफेक्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन ईयर 1982, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ईयर मार्क करिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया, रिपीटेशन होता है, फाउंडेशन ईयर कभी एग्जाम में नहीं आता ये मेरा कहना रहता है, बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया या जितने भी बैंक्स हैं, जितने स्पेशलाइज्ड बैंक हैं उनके हेडक्वार्टर पूछे जा सकते हैं, जैसे हेडक्वार्टर नहीं फाउंडेशन ईयर, जैसे नाबार्ड हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हुआ, सिडबी हुआ, तो इनके फाउंडेशन ईयर याद रखने हैं 1982। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र एंड द एमडी इज डेविड रस्कीना, डेविड रस्कीना इज द एमडी ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अब जरा समझते हैं यहां पर ईबीआईडी के फैक्ट। ईबीआईडी स्टैंड फॉर इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय 15 मेंबर स्टेट्स ऑफ इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। अब समझिएगा यहां पर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द इकोवास। इकोवास स्टैंड फॉर इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स की इकोनॉमिक कम्युनिटी है। इसमें पहले 16 मेंबर्स हुआ करते थे, 16 मेंबर्स में से अब इसमें 15 ही मेंबर्स हैं, मतलब कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एक आ सकता है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है, 15 है, उनका ही 15 का यहां पर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड दी डेवलपमेंट। इन 15 स्टेट्स की बात करूं, 15 मेंबर कंट्रीज की बात करूं, बेनिन, बुर्किना फासो, कैपो वर्डे, कोटी दी आइवोरी, द गाम्बिया, द घाना, गुनिया, गुनिया बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइगेर, नाइजीरिया, सेनेगल, सीरिया लियोनी एंड टोगो। तो ये सारी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के प्लीज कैपिटल करेंसी आपके लिए होमवर्क है, मैं कहता हूं बहुत बड़ा टास्क है 15 कंट्रीज, फिर भी आपको ये लर्न रखना है। द हेडक्वार्टर ऑफ द बैंक, द हेडक्वार्टर ऑफ द ईबीआईडी इज इन लोम टोगलीज रिपब्लिक, मतलब जो टोगलीज रिपब्लिक है वहां पर जो रोड लोम है वहां पर दोस्तों हेडक्वार्टर है ईबीआईडी का। आई नो बहुत टिपिकल न्यूज चल रही है ये वाली, बट फिर भी कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आपको यह मार्क करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, यहां पर इकोवास की बात करें इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स की, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1975, हेडक्वार्टर इज इन अबूजा नाइजीरिया, एंड द चेयरपर्सन, एंड द चेयरपर्सन का है चेयरमैन का है तो फोरे ग्नेसबे, तो याद रखना है यहां पर फोरे ग्नेस सिंगबे इज द चेयरपर्सन ऑफ द इकोवास इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। दोनों के हेडक्वार्टर याद रखने, इकोवास का हेडक्वार्टर कहां पर है, ईबीआईडी का हेडक्वार्टर कहां पर है। बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर देखें तो 15 मेंबर स्टेट्स, वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोवास की इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात हुई है। नाम टिपिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा। रिवाइज करने के लिए पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर 9:30, तो डाउनलोड उसको कर पाएंगे आप वहां से, तो इस डेटा को फिर से रिवाइज कर पाएंगे। बट यस, अभी हाल फिलहाल आप इन सारे पॉइंट्स को नोट करते चले, और ये जितने भी मेंबर स्टेट्स के नाम यहाँ पे मेंशन्ड हैं उनसे रिलेटेड स्टैटिक डेटा का क्या करना है आपको, बार बार कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक कमेंट में लेना चाहूंगा, प्रिया कुमारी जी का कहना है कि क्या ईबीआईडी कंट्रीज के नेम याद रखने हैं क्या एग्जामिनेशन में आ सकता है, मैं कहूंगा इंडिया कभी एग्जामिनेशन में ये नहीं आ सकता, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा कि ईबीआईडी के मेंबर्स कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज पूछी जा सकती है 15 है, बट मेरा लॉजिक ये है कि इन 15 कंट्रीज के बेसिस पे आप स्टैटिक फैक्ट कैपिटल करेंसी लर्न कर लीजिए, वो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, नॉट अ टिपिकल थिंग, नॉट अ बिग टास्क, क्योंकि इजीली कर सकते हैं, कुछ तो याद होंगी। जैसे सेनेगल की बात करूं, सेनेगल कैपिटल इज डकार, करेंसी फ्रैंक, नाइजीरिया कैपिटल इज अबूजा, करेंसी नायरा, तो ये सारी कंट्रीज। बुर्किना फासो की बात करें ओगाडुगू एंड करेंसी फ्रैंक, गाम्बिया की बात करें बांजुल, करेंसी डलासी, एंड यूनिया की बात करें कोनेक्री, करेंसी फ्रैंक। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके आपको नेम याद रखने हैं, उनकी कैपिटल, उनकी करेंसी याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट टास्क आपके लिए है, आपको छोटा सा टास्क कंप्लीट करना है। एग्जैक्टली, और ये इसीलिए भी क्योंकि ये कहीं ना कहीं पिछले दिनों में हेडलाइंस में और किसी ना किसी तरीके से बने हुए हैं कंटेंट में, डेटा में, दैट इज व्हाई दीज आर इम्पोर्टेंट। अब एक कमेंट और लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगली हेडलाइन की तरफ की बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस। तो एक बात हम आप सभी को बता दें कि रेगुलर बेसिस पे 7 o'clock करंट अफेयर्स लाइव का सेशन चल रहा है, जिसको आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मंडे सैटरडे राइट नाउ जे गुरु इज प्रोवाइडिंग द एमसीक्यू सेशंस, द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्योंकि एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज ही आते हैं फॉर श्योर। लेकिन आपकी बैंकिंग अवेयरनेस की डिमांड गलत बिल्कुल भी नहीं है, तो आने वाले समय में एग्जामिनेशन से पहले, एंड यस बिल्कुल आपको सफिशियंट क्लासेस मिलेंगी इसकी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट अभी हाल फिलहाल सोचो कि अगर आप आज के दिन से पढ़ना शुरू कर दोगे और पेपर 2 महीने बाद होगा,
तो कितनी चीजें याद रख पाओगे, फिर से वो सारा डेटा बैक में जाके रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वी आर एक्चुअली अवेयर कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट, कैसी कैसी, कहाँ कहाँ फुलफिल करनी है। सो जस्ट अभी जो सेशंस आपके चल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उनको फॉलो करें, क्योंकि तब आपको इन सब डेटा को रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। और मैम एक्चुअली मैं बात करूँ तो अराउंड 20-30% वेटेज रहती है बैंकिंग की, वो हम कवर अप करेंगे आपके लिए बिल्कुल। सेशन डिजाइन भी है, बस टाइम है दोस्तों, जल्दी हम उसे एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। फोकस अभी इतना करिएगा, जैसा मेरा सोचना है, करंट अफेयर पार्ट को कवर अप करते चलिए, उसके पैरेलल स्टैटिक पार्ट को कवर अप करते चलिए। जो बैंकिंग का पोर्शन होगा उतना मोर देन इनफ रहेगा, जितना हम आपको एग्जामिनेशन से पहले बताएंगे, और एक एक चैप्टर को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, उससे उस पर बेस एक एमसीक्यू सेशन भी डिजाइन करेंगे, जिससे कि आपके लिए बैंकिंग हमेशा के लिए ही बिल्कुल सॉल्व हो जाए, कि एक जो पजल बनी रहती है। एग्जैक्टली, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम यूटिलाइज करो इन सारे डेटा को याद रखने के लिए, रिवाइज करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट हेडलाइन। गुजरात सूरत हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पावर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। गुजरात के सूरत जिले को देश में 100% सौर ऊर्जा वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए पहला जिला बना दिया गया है। तो यस, अब फिर से फर्स्ट वर्ड जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुजरात का सूरत है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में सोलर पार की बात हो रही है, तो अब सर यहाँ और क्या फैक्ट्स कनेक्ट करेंगे? देखिए मैम, अगर बात करें तो स्टेट का नाम स्टूडेंट क्लिक कर गया होगा कि भाई अब गुजरात की बात होने वाली है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, देखिए हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात करें, जितने टाउन वगैरह होते हैं, टाउन वगैरह में पीएससी होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पीएससी एग्जाम भी होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मैम, तो गुजरात का जो सूरत है पहला इंडिया का डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो कि 100% सोलर पावर्ड पीएससी है। मतलब जितनी भी गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में पीएससी है, वहां पर 100% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो सोलर बेस्ड ही होगी। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा नेम ऑफ द स्टेट सूरत किस राज्य में है, गुजरात में है। आते हैं जरा और स्टैटिक फैक्ट देखते हैं क्या एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सूरत हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू हैव 100% सोलर पावर्ड प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी। Here our total number of PSC is 52 in the district. Please remember only name of the district. Surat has become the first district in the country to have 100% solar power primary health centers. Gujarat capital is the Gandhinagar. Chief Minister is the Vijay Rupani and Governor is OP Kohli, Om Prakash Kohli. Total district 33. Largest city Ahmedabad. Official language is the Gujarati. गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क एंड वंसदा नेशनल पार्क। तो प्लीज रिमेंबर, गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, मरीन एंड दी वंसदा, ये कीवर्ड है, इनको याद रखना है। टोटल लोकसभा सीट इज 26, राज्यसभा सीट 11। बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जम्बू घोदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है याद रखना है आपको, गुजरात में है। मैं कहूँगा फिर ये जो नेशनल पार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेफिनेट एग्जामिनेशन में आए हुए रहते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस और आने के चांसेस रहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत होती है स्टेट में, तो उसमें से सिलेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको कवर अप करना है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बक ये डेफिनेट एग्जाम में आता है और आने के चांसेस भी रहते हैं। एग्जैक्टली, तो देखो वही है, सारा स्टैटिक डेटा भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, सो दैट यू कैन गेट ऑल द क्लैरिटी। चलिए इसी के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन, और होप आप सभी का ये सारा डेटा क्लियर होता जा रहा है। जितनी भी स्टेट्स सेशंस में आपके साथ इंक्लूड की जाती हैं, उनके डेटा साइड बाय साइड कंट्रीज के स्टैटिक डेटा सबको दिन में सोने से, रात में सोने से पहले और दिन भर में आपको फॉर श्योर रिवाइज करते चलना है, क्योंकि देखो बीच में जब मौका मिले इन स्टैटिक डेटा को रिवाइज कर लेना, बाकी सारी चीजें अपने आप आगे पीछे कनेक्ट हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट हेडलाइन। अकॉर्डिंग टू फरवरी 2018 रिपोर्ट बाय इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF, इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की फरवरी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बन गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे हम सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर में भी थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर बन चुका है इंडिया। तो अब सर इसमें कितने फैक्ट्स और कनेक्ट करेंगे? मैम अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इसी ने यहाँ पर कहा है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर बन गया है। फिर कहूँगा ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा कितना प्रोड्यूस किया है, कितना लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है, सिर्फ इतना याद रखना है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, सेकंड लार्जेस्ट कौन है और थर्ड लार्जेस्ट कौन है। थर्ड लार्जेस्ट तो यहाँ पर इंडिया बन चुका है। फैक्ट में आते हैं, देखते हैं डिटेल में क्या एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा।
अकॉर्डिंग टू अ फरवरी 2018 रिपोर्ट, ये भी फरवरी 2018 की रिपोर्ट है, इंडियन ब्रेड इक्विटी फाउंडेशन के द्वारा दी गई है, अ ट्रस्ट एस्टेब्लिश बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री, या कह सकते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा एक ट्रस्ट या एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं बिल्डअप की गई है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, उसका जो काम है वो एनालाइज करना है डेटा को। उसने कहा है कि फरवरी 2018 की रिपोर्ट के आधार पर इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर अहेड ऑफ द रशिया एंड जापान, रशिया और जापान से आगे निकलते हुए भारत थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर बन गया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें इस चाइना, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज द यूनाइटेड स्टेट। आते हैं जरा इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की बात करें, सीईओ इज द अनु पी मथाई एंड द हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करेंगे, कॉमर्स मिनिस्ट्री पर चर्चा हुई है इस सुरेश प्रभु, प्लीज रिमेंबर सुरेश प्रभु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्टर है, इंडस्ट्री मिनिस्टर है। इसके अलावा इनके पास एक मिनिस्ट्री और है जिनको अभी इनको अभी हाल ही में एडिशनल चार्ज दिया गया है, वो आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना है। और कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी, तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बतानी है, इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, तो इन फैक्ट पर फोकस करिएगा, मोर देन इनफ रहेंगे। कहूंगा फिर दोबारा से, IBAF इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के आधार पर इंडिया किस नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो आंसर इज द थर्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, चाइना है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, यूनाइटेड स्टेट है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री याद रखना है वो सुरेश प्रभु है। इतने फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए मोर देन इनफ रहेंगे। एग्जैक्टली और अगर कमेंट बॉक्स में देखे तो सर जैसा आपने पूछा यहाँ पे कि इनका एडिशनल पोर्टफोलियो कौन सा है, तो सिविल एविएशन यहाँ पे कैंडिडेट्स ने टाइप किया है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्यसभा एमपी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो मैम एग्जैक्टली टीडीपी तृणमूल, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश है, उनके जो पर्सन थे, उनके जो मिनिस्टर थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे अशोक जी, उनके रिजिग्नेशन के बाद से जो एडिशनल चार्ज दिया गया है, उस वो पद खाली हो गया था सिविल एविएशन का, वो इनको दिया गया है सुरेश प्रभु को, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू यहां पर याद रखना है, ही इज अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश। डेफिनेट एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फोकस करिएगा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। एग्जैक्टली तो ये तो सारी बातें यहाँ पे हो गई क्लियर, चलिए आगे बढ़ा जाएगा। और एक बात यहाँ पे, ये रशिया, जापान और यूएसए जितने भी यहाँ पे नाम जुड़ के आए हैं उनके स्टैटिक फैक्ट्स आपने शेयर किए हैं कमेंट बॉक्स में, सो वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, कीप अप द स्पिरिट, कीप अप शेयरिंग ऑल द फैक्ट्स, क्योंकि आप जानते हैं आपकी अवेयरनेस, आपकी अलर्टनेस ही इस सेशन को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली हेडलाइन, एंड हियर इज द नेक्स्ट वन। According to latest global automobile sales data, India has overtaken Germany to become the fourth largest automobile market in the world. नवीनतम वैश्विक ऑटोमोबाइल बिक्री डेटा के अनुसार भारत जर्मनी को पछाड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। तो तीसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर के बाद चौथा लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट, तो अब इससे क्या फैक्ट्स कनेक्ट करेंगे। मैम अगर मैं बात करूं तो एक और स्लाइड दिखाते हैं, न्यूज इसमें डेटा ज्यादा नहीं है, सिर्फ इस इमेज से आपके समझ में आ जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर, जैसा कि मैम ने बिल्कुल आपके साथ शेयर किया कि लेटेस्ट जो ग्लोबल ऑटोमोबाइल सेल्स डेटा है उसके आधार पर इंडिया ने जर्मनी को ओवरटेक किया है और फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। अगर ऐसा जैसा इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है उसके बेसिस पे कहूं तो लार्जेस्ट बनने में भी 200 ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चाइना और इंडिया में कंपैरिजन अगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 29.12% की बात करें, 39% 31 यहाँ पर आप देखते हैं, तो फर्स्ट प्लेस पे चाइना है, सेकंड प्लेस पे जापान है, एंड थर्ड प्लेस की बात करें तो थर्ड प्लेस आप देखिए इसमें फाइंड आउट करिए जरा, अगर फर्स्ट प्लेस की बात करता हूँ तो फर्स्ट प्लेस पे चाइना है, सेकंड प्लेस पे यूनाइटेड स्टेट है, एंड थर्ड प्लेस की बात करता हूँ थर्ड प्लेस पे जापान आता है, फोर्थ प्लेस पे इंडिया आता है। थोड़ा यहाँ पर पजल्ड है ये इमेज, तो वो क्लियर करिएगा। चाइना आप देख सकते हैं इसमें कैसे कैसे मार्क किया गया है, रेड से दिखाया जा रहा है यूनिट सोल्ड है मिलियंस में, पॉइंट समझिएगा जरा, डायग्राम को समझिए, यूनिट सोल्ड है मिलियन में, रेड जितना परसेंटेज 29.12 मिलियन, और यहां पर परसेंटेज चेंज ओवर 2016 है, मतलब कि अगर यहां पर परसेंटेज जो दिखाई जा रही है कि 2016 से अब कितना परसेंटेज चेंज देखने को यहां पर मिला है प्लस में और माइनस में, तो ये समझिएगा इंडिया में कितनी यूनिट सोल्ड की गई है 4.02 मिलियन, चाइना में देखिए 29.12 मिलियन, एंड यूएसए की बात करें 17.58 मिलियन यूनिट सोल्ड की गई है, और जापान में 5.24। इसके बाद जाते हैं इंडिया के बाद जर्मनी पे, जिसको ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ा है इंडिया, तो जर्मनी में यूनिट सोल्ड की गई 3.81 मिलियन। ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी यूनिट सोल्ड की गई, सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि एज पर द लेटेस्ट डेटा इंडिया किस प्लेस पे पहुंच गया है, तो वो पहुंच गया फोर्थ प्लेस पे। लार्जेस्ट कौन है वो याद रखना, चाइना, अपार्ट फ्रॉम, बिल्कुल इस न्यूज में मत जाइएगा, वन लाइनर न्यूज ये बनती है। एग्जैक्टली तो ऑटोमोबाइल मार्केट में इंडिया हैज स्टेप्ड अप टू फोर्थ पोजिशन,
टॉप किया है चाइना ने, बस इतने पॉइंट्स याद रखने हैं, बस इन्हीं को याद रखते हुए चलिए अब देखते हैं इनसे क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके से आप आंसर करते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. विथ विच स्टेट गवर्नमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU अंडर इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनिशिएटिव. किस राज्य सरकार के साथ भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों की पहल के तहत समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? उत्तर प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान या मणिपुर? तो आज के सेशन में हमने दो स्टेट आपके साथ डिस्कस किए, एक है आसाम, दूसरा है दोस्तों गुजरात. तो यहाँ पर आंसर की बात करता हूँ, ऑप्शन में असम है. तो विद असम गवर्नमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव. अब इसका उद्देश्य क्या था वो याद रखना है कि जो वहाँ का विलेज है, जो कि वहाँ का जो एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट नेम इज दी कामरूप, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विलेजेस होंगे उनको डेवलप करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. ये सारे उद्देश्य रहते हैं एक भी ऑर्गेनाइजेशन का अपने CSR इनिशिएटिव के अंतर्गत. CSR के फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है कि CSR में C क्या है, CSR में S क्या है, R क्या है. कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज इज द फुल फॉर्म ऑफ दी CSR. एग्जैक्टली. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अनमोल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अनमोल किस खेल से संबंधित है? टेनिस, आर्चरी, शूटिंग, टेबल टेनिस या गोल्फ? सो आंसर की बात करें, अनमोल एंड मनु महाकर ने मिलकर मिक्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था. सो ही इज रिलेटेड टू दी शूटिंग. अब आपके लिए होमवर्क क्या है, अनमोल एंड मनु भाकर दोनों के स्टेट आपको बताने हैं, दोनों किस स्टेट से बिलोंग करते हैं. बिल्कुल, और ये तो आप सभी यहाँ पे शेयर कर भी रहे हैं, तो चलिए करते रहिए इसी तरीके से शेयर. हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ. In which city first international exhibition of graphic prints print Biennale India 2018 was held? Graphic print की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी print द्विवार्षिकी भारत 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ? जयपुर, रांची, न्यू दिल्ली, आगरा या ग्वालियर? सो आंसर इज दी न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली एक वेन्यू रहा है ग्राफिक प्रिंट की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का, और इस प्रदर्शनी का नाम क्या वो याद रखना है, प्रिंट द्विवार्षिकी भारत 2018 2018. एग्जामिनेशन में एक शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, फिर पूछेगा इसका वेन्यू क्या रहा है, तो वेन्यू याद रखना है न्यू दिल्ली. एग्जैक्टली, सो दैट इज ऑप्शन नंबर 3. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चरल दैट इज इंडिपेंडेंट चार्ज? केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? राव इंद्रजीत सिंह, महेश शर्मा, श्रीपद यसो नायक, संतोष कुमार गैंगवार या डॉक्टर जितेंद्र सिंह? सो गाइस, आंसर इज दी महेश शर्मा इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर इंडिपेंडेंट चार्ज. बाकी के 4 ऑप्शन जितने भी दिए हैं वो भी सारे के सारे इंडिपेंडेंट चार्ज ही हैं, स्वतंत्र प्रभार ही हैं. लेकिन आपके लिए होमवर्क है कि इनके पास जितने 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री हैं, कौन कौन से पोर्टफोलियो हैं, और ये कहाँ से निर्वाचित हुए थे, राज्यसभा से हैं कि लोकसभा से हैं, लोकसभा से हैं तो किस जगह से, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस सिटी से हैं, राज्यसभा से हैं तो किस राज्य से हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वीडियो कम्प्लीट होने के बाद कॉमेंट बॉक्स में टाइप करना है. एग्जैक्टली, तो ये तो सारे पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं ही जिनको आपको ध्यान रखना है. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट वन. डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? डिब्रू शिकोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आसाम, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम या उत्तर प्रदेश? तो मैम वहाँ के नाम याद रखने, डिब्रू साइकोबा एक इकलौता ये नहीं, काजीरंगा, मानस, इंदा नामेरी, ये सारे के सारे नेशनल पार्क्स आपके दोस्तों असम में सिचुएटेड है, असम में लोकेटेड है, तो असम इज द राइट आंसर. बिल्कुल, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? कोहिमा, भुवनेश्वर, भोपाल, न्यू दिल्ली या मुंबई? सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली. प्लीज रिमेंबर AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया - न्यू दिल्ली, इतना ही आपको याद करके चलना है. बिल्कुल, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4. Let's proceed to the next one. According to internet speed testing analysis from Ookla, India has been ranked at what position for fixed broadband speeds and at what position for mobile internet speeds in February 2018? Internet speed testing विश्लेषण firm Ookla के अनुसार फरवरी 2018 में भारत को fixed broadband speed के लिए किस स्थान पर और mobile internet speed के लिए किस स्थान पर रखा गया है? 67101, 67103, 67104, 67109 या 67107? तो 67109 इज द राइट आंसर. अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड में तो इंडिया की रैंक है 67. अगर मोबाइल इंटरनेट स्पीड की बात करता हूँ तो उसमें इंडिया की रैंक रही है 109. फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड में टॉप्ड बाई दी सिंगापुर,
एंड दी इन मोबाइल इंटरनेट स्पीड इट इज स्टॉप्ड बाय द नॉर्वे. दोनों के फैक्ट याद रखने हैं. सिंगापुर कैपिटल इज द सिंगापुर सिटी, करेंसी डॉलर. नॉर्वे कैपिटल इज ओस्लो, ओस्लो ओ एस एल ओ, ओस्लो इज द कैपिटल. एंड करेंसी क्रोन, के आर ओ एन ई, क्रोना नहीं है, के आर ओ एन ई, क्रोन है. मैं इसको एम्फेसाइज ज्यादा करता हूँ. नॉर्वे की करेंसी है क्रोन एंड स्वीडन की करेंसी है क्रोना. तो ये चीजों पे फोकस करिएगा. और सर स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम. अरे वेरी गुड मैम, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम. तो याद रखना स्वीडन, स्टॉकहोम, क्रोना एंड नॉर्वे कैपिटल इज ओस्लो एंड करेंसी क्रोन. बिल्कुल. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक विल प्रोवाइड अ यूएसडी ऑफ हाउ मच मिलियन क्रेडिट फैसिलिटी टू इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट. निर्यात आयात बैंक इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान करेगा? 400 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन या 600 मिलियन? सो एग्जैक्ट राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर फोर्थ. 500 मिलियन ईएम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा ईवीआईडी को. मैं कहूंगा इस न्यूज को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा. आई नो मोस्ट टिपिकल न्यूज रही है आज के सेशन की. ईवीआईडी क्या है, इकोवास क्या है, उसके इफेक्ट, ईवीआईडी के इफेक्ट, और प्लीज वो 15 कंट्रीज की कैपिटल करेंसी लर्न कर लीजिएगा. और इन 15 कंट्रीज की कैपिटल करेंसी मैं आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके पिन भी कर दूंगा. कभी कभी कंफ्यूजन ये रहता है कि हम जब सर्च करते हैं वो एग्जामिनेशन में आती है, वो गलत हो जाती है. तो दोस्तों एग्जैक्ट ऑथेंटिक कैपिटल, ऑथेंटिक करेंसी मैं पिन भी कर दूंगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइप करना है. मैं ये करूंगा डे आफ्टर टुमारो. कल तक का आपके पास टाइम है. कल आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि उन 15 कंट्रीज की कैपिटल क्या और करेंसी क्या है. बिल्कुल. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कॉट दी इवियोरे? कॉट दी इवियोरे की राजधानी क्या है? लोम, यामोस्क्रो, प्राया, नियामे या फ्री टाउन? तो मैम एग्जैक्टली कहूंगा मोस्ट टिपिकल. यहाँ पर मैंने इसे जानबूझकर क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया है कि कोट दी आइवर की राजधानी क्या है. तो इसकी याद रखनी. देखिए मैं जब भी बोल रहा हूँ कोट दी आइवर तो मेरे चेहरे पे क्या रही मुस्कान आ रही है, तो वो बोलता है अरे यार मुस्कुराओ, अरे यार मुस्कुराओ, तो या मुस्कुरो. तो ऐसे याद रखना जब भी कोट दी आइवरी की बात करें तो या मुस्कुरो. तो या मुस्कुरो इज दी कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कोट दी आइवरी, या कोट दी आइवर इज दी फ्रैंक. सो कोट दी आइवर या कोट दी आइवरी भी पढ़ी आप इसे. या मुस्कुरो इज दी कैपिटल एंड करेंसी इज दी फ्रैंक. इसके अलावा नियामे, फ्री टाउन, प्राया एंड लोम ये किन कंट्रीज की कैपिटल है? ये होमवर्क है. उन 15 कंट्रीज में से ही है ये, और उन 15 कंट्रीज में से जिनकी भी है उनकी करेंसी क्या है वो आपको टाइप करनी है. बिल्कुल. कैसे कैसे नाम हो जाते हैं, और बेचारे हम तो सबसे सोच रहे हैं कि आपको एग्जामिनेशन के लिए कितना कुछ याद रखना पड़ता है. पर कोई नहीं, आप याद रखोगे तभी तो एग्जाम क्लियर करोगे, और तभी तो किसी ना किसी सरकारी नौकरी का हिस्सा बन पाओगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द करेंसी ऑफ सेनेगल? सेनेगल की मुद्रा क्या है? सेडी, फ्रैंक, नायरा, बांजुल या लियोन? सो आंसर की यहाँ पर मैं बात करता हूँ एग्जैक्ट. सेनेगल कैपिटल इज डकार, डी ए के ए आर, एंड द करेंसी इज फ्रैंक. सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर टू. अपार्ट फ्रॉम बात करूं नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा एंड करेंसी नायरा. ऑप्शन नंबर थ्री याद रखना है, इट इज द करेंसी ऑफ द नाइजीरिया. सैडी इज द करेंसी ऑफ घाना. याद होगा एमसीक्यू सेशन में डिस्कस किया था नाना, घाना नाना, घाना नाना. जो प्रेसिडेंट है घाना के वो है नाना अकूफो एडो. एंड सैडी इज द करेंसी ऑफ द घाना. घाना अकरा इज द कैपिटल एंड करेंसी सैडी. बांजुल की बात करें तो गाम्बिया, आई थिंक जहां तक मुझे पता है गाम्बिया की कैपिटल इज दी, गाम्बिया कैपिटल इज बांजुल एंड करेंसी डेलेसी. तो यहां से तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमने पूछा क्या है यहां पर, करेंसी. और लियोनी की बात करें तो इट इज अ सीरिया लियोनी, सीरिया लियोनी की ये रिलेटेड है. तो यहां पर आपको फोकस करना है कैपिटल ऑप्शन में है, करेंसी ऑप्शन में. अगर डायरेक्ट नहीं आता तो आप एलिमिनेट करके भी बिल्कुल टिक कर सकते हैं. बिल्कुल. तो ये तो फॉर श्योर तभी हो पाएगा जब आप इन सबको याद रख पाएंगे, है ना. तो रिवाइज करते रहें और कुछ भी नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पार्ट PHCs? कौन सा जिला देश में 100% सौर ऊर्जा वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए पहला जिला बन गया है? ग्वालियर, सूरत, आगरा, भोपाल या देहरादून? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सूरत इज द एग्जैक्ट आंसर. एक क्वेश्चन और है, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सो गाइस आंसर इज द ताप्ती. तो याद रखिएगा दोस्तों सूरत ताप्ती. एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वन लाइनर, एक शॉर्ट पूछा जाता है. मैम स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में कहें या बतौर स्टैटिक बात करता हूँ, मैक्सिमम टाइम रिवर बैंक पूछे जा रहे हैं. तो सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ताप्ती रिवर. एंड अपार्ट फ्रॉम बात करते हैं तो सूरत हैज बिकम दी गुजरात फर्स्ट या फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पार्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHC. एग्जैक्टली. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन.
बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बर्दा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, मिजोरम, मणिपुर, गुजरात या उत्तर प्रदेश? अब देखिए, अभी गुजरात के हमने फैक्ट डिस्कस किए, तो वहां पर मैंने आपके साथ तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई थी, एक वर्धा, एक पूर्णा और एक जम्बू घोदा। तो तीनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्धा, पूर्णा, जम्बू घोदा, समझ लीजिए तीन दोस्त हैं आपके, तीनों दोस्तों के नाम है, एक का नाम है वर्धा, एक का नाम है पूर्णा और एक का नाम है जम्बू घोदा। तो तीनों के नाम याद रखने हैं, तीनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में। एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। अकॉर्डिंग टू फरवरी 2018 रिपोर्ट बाय इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इंडिया हैज बिकम दैश लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की फरवरी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन सा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बन गया है? थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फिफ्थ या सेवेंथ? सो अकॉर्डिंग टू फरवरी 2018 रिपोर्ट बाय इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर। वन लाइनर इंपॉर्टेंट बनेगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, कौन से नंबर का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर बना है, सो आंसर इज थर्ड। एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। According to latest global automobile sales data, India has overtaken Dash to become the fourth largest automobile market in the world. नवीनतम वैश्विक ऑटोमोबाइल बिक्री डेटा के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है? कनाडा, जर्मनी, ब्राजील, जापान या इटली? सो आंसर इज दी जर्मनी। जर्मनी को ओवरटेक करते हुए इंडिया ऑटोमोबाइल सेल्स डेटा में दोस्तों यहां पर थर्ड प्लेस पे आ गया। इंडिया हैज ओवरटेक जर्मनी, फोर्थ प्लेस पे आ गया। इंडिया हैज ओवरटेकन जर्मनी टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन वर्ल्ड। अभी देखिएगा, यहां पर समझिएगा, जितनी भी कंट्रीज मैंने ऑप्शन में दी हैं कहीं ना कहीं रिलेटेड है करंट अफेयर से। कनाडा के पीएम इंडिया में विजिट पर थे, कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा, करेंसी डॉलर एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इज जस्टिन त्रुडू। तीनों ही नेम इंपॉर्टेंट बनेंगे, कैपिटल, करेंसी एंड पीएम। ब्राजील की बात करूं, कैपिटल इज ब्राजीलिया, करेंसी रियल, इतना ही याद रखना है। जापान की बात करें, कैपिटल ऑफ जापान इज द टोक्यो, करेंसी येन एंड द प्राइम मिनिस्टर इज शिंजो अबे। इटली के पीएम भी इंडिया में विजिट पर रहे थे रिसेंट में, कैपिटल ऑफ इटली इज रोम, ROME, रोम एंड करेंसी यूरो। एंड प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, पाओलो जेंटिलोनी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इटली। प्लीज फोकस करिएगा, कनाडा पीएम इज जस्टिन त्रुडू, इटली पीएम इज द पाओलो जेंटिलोनी एंड द कैपिटल ऑफ एंड करेंसी ऑफ इटली इज रोम यूरो एंड द कैपिटल करेंसी ऑफ कनाडा इज द ओटावा डॉलर। जापान टोक्यो इन एंड ब्राजील ब्राजीलिया रियल। एंड जर्मनी की बात करें, जर्मनी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी यूरो। दो नेम याद रखने हैं, दो नेम वो कौन से हैं? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर प्रेसिडेंट इंडिया में विजिट पर थे, उसके अलावा एंजेला मार्कल, फोर्थ यहां पर अभी चांसलर नियुक्त हुई है, उनका नाम याद रखना है, जर्मनी की है। बिल्कुल, कॉन्सेक्यूटिवली फोर्थ कहना उनको बिल्कुल सही होगा। चलिए इसी के साथ वी विल एंड अप दिस सेशन टुडे। Hope you have liked the content and actually you have liked the content. So click on the like button before getting offline. Comment करें जितने भी questions ये गुरु ने पूछे हैं, वो 15 countries हों चाहे बाकी सारे static data हों, उनको post करना बिल्कुल ना भूलें। Share करें इस video को maximum, ये लिख के कि this session is actually important for all competitive examinations. New viewers, इस session को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये session कितना ज़रूरी है। Daily basis पे follow करना, morning 7 o'clock Monday to Saturday. तो channel को subscribe ज़रूर करें ताकि उसके notification भी बेल बटन पे क्लिक करने के बाद आपको मिलते रहें। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल सुबह 7 बजे फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल महिंद्रा गुरु पे। तब तक के लिए एज आई से ऑलवेज, खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलेगा मत। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच। यूट्यूब चैनल बेल बटन पे क्लिक करते ही पाए हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट।